हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्सटाइल 2020। और आज हम डिस्कस करेंगे गारमेंट कंस्ट्रक्शन का एक टॉपिक जिसका नाम है मार्कर प्लानिंग। इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि मार्कर प्लानिंग कैसे की जाती है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है मार्कर प्लानिंग की, और क्वालिटी कटिंग कैसे अचीव की जा सकती है। दूसरा, मार्कर की प्रोडक्शन कैसे की जाती है, जो प्लानिंग हमने मार्कर की है उसकी प्रोडक्शन कैसे की जाती है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और किस किस मेथड को यूज करके हम मार्कर को प्रोड्यूस कर सकते हैं, मार्कर प्लान को प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसका यूज करके हम कटिंग करते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गारमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। उन स्टेप्स में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है मार्कर प्लान। मार्कर क्या होता है, उसकी प्लानिंग कैसे की जाती है, तो सबसे पहले हम फैब्रिक परचेज करते हैं। जो फैब्रिक हमें चाहिए गारमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, उसके बाद उस फैब्रिक को कटिंग रूम के अंदर लाया जाता है। अब कटिंग रूम के अंदर कटिंग करने से पहले मार्कर प्लानिंग की जाती है। मार्कर प्लानिंग के अंदर जो भी फैब्रिक हम कट करना चाहते हैं, जिस भी टाइप की गारमेंट के लिए, किड्स वियर के लिए, अडल्ट वियर के लिए, लेडीज वियर के लिए, उसके हिसाब से पहले मार्कर का प्लान तैयार किया जाता है, उसको प्रोड्यूस किया जाता है फैब्रिक लेयर्स के ऊपर, और उसके बाद फैब्रिक की कटिंग की जाती है गारमेंट के डिफरेंट पार्ट्स में। वो कट किए हुए डिफरेंट पार्ट्स को सीविंग रूम के अंदर भेज दिया जाता है, जहां पर उसकी स्टिचिंग की जाती है। स्टिचिंग करने के बाद गारमेंट तैयार हो जाता है, उस गारमेंट को फिर आगे फिनिशिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो ये प्रोसेस फॉलो होता है गारमेंट प्रोडक्शन के अंदर। अब इसी में से एक प्रोसेस है मार्कर प्लान। कटिंग के बारे में एक ब्रीफ वीडियो हमने पहले प्रोड्यूस किया है, आप उसके अंदर जाके देख सकते हैं कि कैसे कटिंग के अंदर क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है स्मॉल स्केल की कटिंग के लिए और लार्ज स्केल की कटिंग के लिए। अब बात करते हैं मार्कर प्लान की। तो सबसे पहले मार्कर प्लानिंग को हमने दो सेक्शंस में डिवाइड किया है, एक तो प्लानिंग ऑफ द मार्कर और दूसरा प्रोडक्शन ऑफ द मार्कर। प्लानिंग के अंदर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मार्कर प्लान क्या होता है। मार्कर प्लान, तो सबसे पहले मार्कर प्लान होता क्या है, व्हाट इज मार्कर प्लान। मार्कर प्लान वो प्लान होता है जिसके अंदर हम डिसाइड करते हैं कि एक फैब्रिक की जो लेयर हमें मिली हुई है या बहुत सारी लेयर मिली हुई है, उसके अंदर हमें कहां पर बहुत सारे पीसेस होते हैं, उन पीसेस को कैसे कट करना है, कहां पर किस पार्ट को प्लेस करना है, कहां पर पॉकेट को प्लेस करना है, कहां पे कॉलर को प्लेस करना है, कहां पे फ्रंट को प्लेस करना है, कहां पर बैक को प्लेस करना है, ये सारी चीजें जो हम डिसाइड करते हैं कि किस जगह पर क्या कट करना है हमें, उसको प्लान जब हम करते हैं तो उसे बोलते हैं मार्कर प्लान। हमने एक प्लान तैयार कर लिया। जैसे हम कोई मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के लिए हमें पहले एक नक्शे की जरूरत होती है, ब्लूप्रिंट की आवश्यकता होती है, ऐसे ही कटिंग करने से पहले हमें एक मार्कर प्लान की आवश्यकता होती है। एक मार्कर प्लान ये बताता है हमें कि कटर कहां पर किस पार्ट को कट करेगा, तो वो प्लान जो हमें ये बताता है कि कहां पर किस पार्ट को हमें प्लेस करना है मार्कर प्लान कहलाता है। तो मार्कर प्लान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कटिंग रूम का, क्योंकि कटिंग रूम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गारमेंट हाउस का, क्योंकि वहां पर जो बल्क में प्रोड्यूस किया हुआ फैब्रिक है उसे कट किया जाता है। अगर वो फैब्रिक हमने सही ढंग से कट नहीं किया तो बहुत सारा फैब्रिक वेस्ट हो जाएगा। तो ये मान लीजिए कि कंपनी का 90% टर्नओवर सिर्फ कटिंग रूम की एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। कटिंग रूम की एफिशिएंसी जितनी अच्छी होगी गारमेंट हाउस को इतना फायदा होगा, जितना वेस्टेज कम होगा गारमेंट हाउस को उतना प्रॉफिट होगा। इसलिए कटिंग रूम के अंदर मार्कर प्लान एक
बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। मार्कर प्लानिंग के लिए बहुत ही ज्यादा स्किल की आवश्यकता होती है। उसके अंदर अलग अलग प्रकार के जब फैब्रिक आते हैं, ये तो है नहीं कि हर बार एक ही टाइप का फैब्रिक आता है, कभी नीटेड फैब्रिक आता है, कभी नॉन वोवन आता है, कभी वोवन फैब्रिक आता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ फैब्रिक द मार्कर प्लान हैज टू डू हिज वर्क इन ए वेरी एफिशिएंट वे। उसे बहुत ज़्यादा टाइम देके उसे मार्कर प्लान को इस ढंग से अरेंज करना पड़ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी अचीव हो, कम से कम वेस्टेज हो। अब मार्कर प्लानिंग को हमने दो सेक्शन में डिवाइड किया था, एक था प्लानिंग और दूसरा था प्रोडक्शन। प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी हमने मार्कर प्लान के लिए जो पैटर्न पीसेस तैयार किए हुए हैं, उन पैटर्न पीसेस को फैब्रिक के ऊपर सही ढंग से अरेंज करना, ये प्लानिंग के अंदर हम डिस्कस करते हैं। तो मार्कर प्लानिंग की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मार्कर प्लानिंग? तो मार्कर प्लानिंग जब हम करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम प्लानिंग बिना ये सोचे कर रहे हैं कि किस टाइप का फैब्रिक है, किस टाइप का कटर हम यूज कर रहे हैं और किस टाइप का डिजाइन है जो हमें उस शर्ट के अंदर या उस गारमेंट के अंदर लेके आना है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है जिस टाइम पे मार्कर प्लानिंग करती हैं, तो वो कहलाती हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ मार्कर प्लानिंग। तो जो प्लानर होता है, जो मार्कर प्लान करता है, वो सबसे पहले जो बड़े पीसीज होते हैं उनको प्लेस करके अपनी प्लानिंग स्टार्ट करता है। मान लीजिए एक एरिया दे दिया गया है मार्कर प्लान को, कटिंग टेबल का एरिया जिसके ऊपर हमने फैब्रिक को स्प्रेड किया हुआ है, तो उसके अंदर वो सबसे पहले जो सबसे बड़ा पार्ट है किसी भी गारमेंट का, उसको प्लेस करता है और ऐसे करते हुए वो जो जो सबसे बड़ा पार्ट है, उसके बाद जो उससे छोटा पार्ट है, उसके बाद जो उससे छोटा पार्ट है, ऐसे करते हुए वो जाता है ताकि लास्ट में जो स्पेस बचता है उसके अंदर छोटे पार्ट्स को अरेंज किया जा सके। क्योंकि अगर वो पहले छोटे पार्ट्स को अरेंज कर देगा तो बाद में बड़े पार्ट्स को उसके अंदर फिट करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो मार्कर प्लान सबसे पहले बड़े पार्ट को प्लेस करता है, उसके बाद छोटे पार्ट्स को प्लेस करता है और ये देखता है कि कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो साइड बाय साइड बिल्कुल अच्छे से प्लेस हो सकते हैं, जिससे कटिंग में भी प्रॉब्लम ना आए और फैब्रिक की जो लेंथ और विड्थ है उसका भी हम सही ढंग से यूटिलाइज कर सके। तो इस प्रकार से मार्कर प्लान स्टार्ट करता है। जब वो ये काम करता है तो उसे इस अरेंजमेंट को कई बार चेंज करके देखना पड़ता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मकान बनाने से पहले हम नक्शा तैयार करते हैं, उस नक्शे के अंदर हम कई बार चेंजेस करते हैं कि इस रूम को यहाँ करना चाहिए या इस रूम को यहाँ करना चाहिए। हम अलग अलग वर्जन्स को ट्राई करते हैं, प्लेसिंग करके देखते हैं कि कहाँ पर हम ज़्यादा स्पेस को यूज़ कर सकते हैं और कम से कम स्पेस हमारे जो एरिया है उसके अंदर खाली रहे। वही सेम प्रोसेस इसके अंदर फॉलो की जाती है। तो इस तरह से वो 3 या 4 या उससे ज़्यादा अलग अलग मार्कर प्लान करके देखता है, उसके बाद वो कैलकुलेट करता है कि किसमें सबसे ज़्यादा अच्छे ढंग से एफिशिएंटली मार्कर प्लानिंग हो रही है और फैब्रिक का यूसेज मैक्सिमम है और वेस्टेज कम से कम। जिस टाइम पे मार्कर प्लानर ये काम करता है तो उस टाइम वो कुछ और पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए चीज़ें करता है। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? सबसे पहला पॉइंट है तो नेचर ऑफ फैब्रिक में हमें ये देखना पड़ता है कि फैब्रिक किस टाइप का है। इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं कि पैटर्न की अलाइनमेंट, तो इसके अंदर नेचर ऑफ फैब्रिक पहला पॉइंट है। नेचर ऑफ फैब्रिक के अंदर आता है पैटर्न अलाइनमेंट, सिमेट्री एंड एसिमेट्री ऑफ द फैब्रिक, डिजाइन ऑफ फिनिश गारमेंट। अब हम तीनों पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पैटर्न अलाइनमेंट। तो पैटर्न अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि जब हम फैब्रिक को कटिंग टेबल के ऊपर प्लेस करते हैं और जिस टाइम पे कटिंग होती है तो जो कटिंग लाइन है वो, ये मान लीजिए हमारा फैब्रिक है कि ये वार्प है और ये वेफ है, तो जब भी हम कटिंग करते हैं तो एक ग्रेन लाइन होती है। ग्रेन लाइन बोलते हैं जो भी हमारा पैटर्न का पार्ट है, मान लीजिए ये फ्रंट है तो इसके यहाँ पैरेलल
जो लाइन होती है उसे ग्रे लाइन बोलते हैं। तो जिस टाइम पे हम कटिंग कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि या तो ग्रेन लाइन पैरेलल हो बार के, और अगर हम इस डायरेक्शन में कटिंग कर रहे हैं तो ग्रेन लाइन पैरेलल हो वेफ्ट के। मान लीजिए फ्रंट का ये पार्ट है, ये साइड का मैंने ये पार्ट ड्रॉ किया हुआ है, अगर इस पार्ट को हम कट कर रहे हैं यहां पर रख के, तो इसकी ग्रेन लाइन ऐसे, ये पार्ट मैंने यहां पे प्लेस कर दिया, तो ये जो ग्रेन लाइन है ये पैरेलल होनी चाहिए इस बार के, और अगर हम इसको कट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में रखे, मैंने इस पार्ट को ऐसे रख दिया, ये पार्ट ऐसे रखा पहले मैंने जब वार्प के पैरेलल है ग्रेन लाइन, और जब ऐसे रखा तो वेफ्ट के पैरेलल है। मतलब ये है कि जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि या तो हमारी ग्रेन लाइन वार्प के पैरेलल हो या हमारी ग्रेन लाइन वेफ्ट के पैटर्न वेफ्ट के पैरेलल होनी चाहिए। तो इसलिए अगर हम इस ग्रेन लाइन का सही ढंग से प्लानिंग नहीं करते हैं तो जो फैब्रिक का ड्रेप है, जो हम फैब्रिक को हैंग करते हैं या जो ड्रेप प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज सही ढंग से यूटिलाइज नहीं होंगी, फैब्रिक के लुक पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसलिए प्लानर का एरिया रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है ग्रेन लाइन के हिसाब से, उसे ग्रेन लाइन को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करनी पड़ती है। दूसरा पॉइंट है सिमेट्री और एसिमेट्री। सिमेट्री और एसिमेट्री का मतलब क्या है कि कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जिनको अगर हम फेस साइड से देखें और बैक साइड से देखें तो उनमें कोई ज्यादा फर्क दिखाई नहीं देता, वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन बहुत सारे फैब्रिक ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर फेस साइड और बैक साइड अलग अलग होती है। जैसा कि टॉवल का फैब्रिक हम ले सकते हैं, पाइल फैब्रिक जो होते हैं, नेटेड फैब्रिक का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो जिस टाइम पे मार्कर प्लानिंग की जाती है उस टाइम हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि जब हम मार्कर प्लान कर रहे हैं तो फैब्रिक की साइड जो सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, कौन सा फैब्रिक है जो हमें कट करना है मार्कर प्लानिंग करने के बाद। अगर फैब्रिक सिमेट्रिकल है तो हमें थोड़ा ज्यादा फ्रीडम मिल जाता है, हम आसानी से मार्कर प्लान कर सकते हैं, लेकिन एसिमेट्रिकल फैब्रिक है तो हमें बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि रॉन्ग साइड से या फैब्रिक की जो अदर साइड है एसिमेट्रिकल साइड है वो हम प्लेस करके कटिंग ना कर दें। तो उस केस में हमें ये ध्यान में रखना है कि जितने भी फैब्रिक की पीसीज हैं जो फ्रंट साइड में दिखाई देंगे उनके अंदर हमें फेस साइड को ऊपर रख के कटिंग करनी है, ना कि बैक साइड को ऊपर करके रखनी है, क्योंकि स्प्रेडिंग के टाइम अगर बैक साइड ऊपर आ गई फेस साइड नीचे रह गई और हमने मार्कर प्लान डिसाइड करके दे दिया तो सारे जो पैटर्न पीसीज हैं वो बैक साइड से कट हो जाएंगे और जब गारमेंट बनेगा तो वो सारा डैमेज में जाएगा, डिफेक्टिव फैब्रिक या डिफेक्टिव गारमेंट प्रोड्यूस होगा। इसलिए एसिमेट्रिकल फैब्रिक में हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है। थर्ड पॉइंट है कि जो फिनिश्ड गारमेंट है उसका डिजाइन कैसा होगा। अब कुछ केसेस में ऐसा होता है जो कुछ फैब्रिक होते हैं उनके अंदर चेक में डिजाइन होता है, जैसा कि ये मैंने शर्ट डाल रखी है तो इनके अंदर ये चेक पैटर्न होता है। तो चेक का फैब्रिक जब भी मार्कर प्लानर के पास प्लानिंग करने के लिए आता है तो उसे ये चीज ध्यान में रखनी पड़ती है कि इस साइड और इस साइड को कैसे मैच करवाना है सही ढंग से। तो जिस टाइम पे प्लानर प्लान करता है तो वो ये ध्यान में रखना उसे ये ध्यान में रखना पड़ता है कि इस फैब्रिक में चेक का डिजाइन है और इसे कैसे प्लेस करना है, ताकि देखिए अब ये जो आर्म है ये जो चेक है ये इसके साथ पैरेलल है। कुछ केसेस में आपने देखा होगा कि इसके साथ पैरेलल नहीं होता, वो डिफेक्टिव कटिंग की वजह से होता है, डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से होता है। पॉकेट में कई बार ये डिजाइन अलग होता है, यहाँ पे थोड़ा उसको घुमा दिया जाता है एक अलग लुक देने के लिए, तो वो सारा मार्कर प्लानर डिसाइड करता है कि मुझे किस ढंग से कटिंग करनी है कि ये जो सारा चेक का डिजाइन है वो एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट के अंदर प्रोड्यूस हो जब उस फैब्रिक को फिनिश गारमेंट की फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाए। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जो हमें ध्यान में रखनी होती है जिस टाइम पे हम मार्कर प्लानिंग को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मार्कर प्लानिंग को प्लान कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट प्लानिंग के अंदर था रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिटी इन कटिंग। कटिंग के अंदर अगर हम क्वालिटी चाहते हैं जिस टाइम पे तो हमें क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। कटिंग करते समय हमारे पास डिफरेंट टाइप की कटिंग मशीन्स अवेलेबल होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कटर मैनुअली ऑपरेटेड या इलेक्ट्रॉनिक कटर ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड, राउंड कटर, फ्लैट कटर, बहुत सारे टाइप के कटर होते हैं। लेकिन
हर एक कटर की एक लिमिटेशन होती है, उस लिमिट तक जाकर ही वो कटिंग कर सकता है। तो जो स्ट्रेट पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स को करने के लिए स्ट्रेट कटर यूज किया जाता है। तो अलग अलग तरह के कटर हमें उसके अंदर यूज करने पड़ते हैं, और हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है, मार्कर प्लानर को ये ध्यान में रखना पड़ता है कि एक स्ट्रेट कटर को दो पैटर्न पीसेस को जब कट करना है मान लीजिए, तो उसे कितना स्पेस चाहिए। ये आर्म है, ये सेकंड आर्म है, ये फ्रंट बॉडीज ब्लॉक है, दोनों फ्रंट पार्ट हैं। तो जिस टाइम पे मार्कर प्लानर प्लानिंग कर रहा है तो उसे ये ध्यान में रखना पड़ता है कि जब स्ट्रेट कटर चलेगा तो उसे कितना स्पेस चाहिए इसके अंदर, ताकि वो आराम से सही ढंग से कटिंग कर सके। और जब कर्व कटर इसके अंदर ऑपरेट करेगा तो उसे कितना स्पेस चाहिए यहाँ पे कर्व कट करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा टॉलरेंस उसको रखना पड़ता है, एक्स्ट्रा एरिया छोड़ना पड़ता है ताकि कटर को मुड़ने के लिए स्पेस अवेलेबल हो। क्योंकि अगर इसके बीच में यहाँ पर वो गैप नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल लाइन टू लाइन अगर मिला देगा, तो कटर की जो थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है उसके लिए स्पेस नहीं बचता, जिससे कटिंग खराब हो सकती है, और अगर कटिंग खराब होगी तो गारमेंट खराब हो सकता है। इसलिए कुछ एरिया, कुछ स्पेस प्लानर को कटर के लिए छोड़ना पड़ता है, उसे ये ध्यान में रखना पड़ता है कि जिस टाइम पे कटिंग होगी तो कितना एरिया रिक्वायर्ड है कटर के मूवमेंट के लिए, ताकि क्वालिटी कटिंग प्रोड्यूस हो सके। उसके बाद काउंट, उसे ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि एक कटर मान लीजिए स्ट्रेट कटर है, इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है, वो एक साथ कितनी लेयर्स को कट कर सकता है, 50 लेयर्स को कट कर सकता है, 100 लेयर्स को कट कर सकता है, 200 लेयर्स को कट कर सकता है। तो ये चीजें उसको ध्यान में रख के प्लानिंग करनी पड़ती है, मार्कर प्लान करना पड़ता है, ताकि सही ढंग से कटिंग अचीव हो सके। उसके बाद प्लानर जब एक प्लान तैयार कर लेता है, ये प्लानर ने एक प्लान तैयार कर लिया कि यहाँ पर फ्रंट ब्लॉक होगा, यहाँ पर बैक ब्लॉक होगा, यहाँ पर आर्म होगी, तो जो भी प्लान मार्कर ने तैयार कर लिया है, उसके बाद उसे हर एक पार्ट के ऊपर एक करेक्ट लेबल देना होता है कि मान लीजिए ये जो पार्ट इसके अंदर कट किए गए हैं ये मीडियम साइज के हैं, तो उसे लेबलिंग करनी पड़ती है कि ये एम है, ये एम है, ये एम है, ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, M4 है, M5 है, कि जितने भी पार्ट्स हैं गारमेंट के, मान लीजिए 12 पार्ट्स हैं, तो हर एक पार्ट के ऊपर करेक्ट लेबलिंग होनी चाहिए कि ये M10 है, M12 है, M13 है, ताकि जो भी कलेक्टर है जो उसको कलेक्ट करता है हर एक पैटर्न को, या जो भी सीविंग मशीन ऑपरेटर है, उसको प्रॉब्लम ना हो अलग अलग पार्ट्स को सही ढंग से असेंबल करने में, वो एक एक पार्ट को सही ढंग से उठा सके। तो करेक्ट लेबलिंग होना बहुत जरूरी है, और ये काम भी मार्कर प्लानर को करना पड़ता है। अदरवाइज अगर वो सही ढंग से मार्किंग नहीं करेंगे, तो एक पीस मान लीजिए इनके ऊपर मार्किंग नहीं की गई है, तो एक पीस दूसरे पीस के अंदर मिक्स हो सकता है, और स्टिचिंग होने के बाद गारमेंट डिफेक्टिव प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये हमने डिस्कस किया कि मार्कर प्लानिंग करते समय क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और क्वालिटी कटिंग के लिए प्लानिंग करते समय क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। प्लानिंग होने के बाद हमें उसकी प्रोडक्शन करनी है, उसे प्रोड्यूस करना है फैब्रिक लेयर के ऊपर, तो चलिए वो डिस्कस करते हैं।